बिग बॉस सीजन 15 जो है करण कुंद्रा के लिए इतना आसान नहीं रहा है, जबकि सलमान खान जो है बाकी कंटेस्टेंट्स को हर बार ये कहते हुए सुनाई दिए कि खुद के लिए खेलो, खुद के लिए खेलो, किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खुद के लिए खेलो। लेकिन जब बात आती थी करण कुंद्रा की, सलमान खान हमेशा उन्हें कहते थे कि खुद के लिए नहीं, अपनों के लिए खेलो, तेजस्वी के लिए खेलो, आपकी गर्लफ्रेंड है, शमिता निशांत आपकी दोस्त है, उनके लिए भी खेलो, प्रतीक के आप मेंटर रह चुके हो, उसे आप कैसे पीछे छोड़ सकते हो, जब जरूरत होती है आपने कभी स्टैंड नहीं लिया, ऐसे कई तरह के जो बातें हैं करण कुंद्रा को सुनाई दी। और एक जो बात घर के अंदर और घर के बाहर काफ़ी चर्चा में रही है करण कुंद्रा के बारे में, वो ये रही है कि करण कुंद्रा जो है एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है। उनके ऊपर टॉक्सिक होने का एक बड़ा इल्ज़ाम जो है घर वालों ने लगाया, घर के बाहर के लोगों ने लगाया। अब इसके ऊपर जो है करण कुंद्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और किसके ऊपर साधा है निशाना, बता दियो आपको इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त विदांगी कर्णिक। वेल, एक इंटरव्यू में बात करते हुए करण कुंद्रा से जब पूछा गया था कि कुछ सेलिब्रिटीज जो है आपको घर के बाहर, जब आप घर के अंदर थे, घर के बाहर से कुछ सेलिब्रिटीज कह रहे थे, कुछ एक्स कंटेस्टेंट जैसे डोनल विश ने भी आपके बारे में कहा था और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आपके बारे में कह रहे थे कि आप एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो, आप तेजस्वी के लिए सही नहीं हो, तो इसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करोगे, बिकॉज टॉक्सिक इज ऑब्वियसली अ ह्यूज वर्ड। तो करण कुंद्रा कहते हुए सुनाई दिए, यार पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, ये कौन है, मतलब रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या इन्होंने कोई किताब लिखी है, इनके ऊपर, इनके रिलेशंस के ऊपर किसी ने किताब लिखी है, ये कौन से इतने बड़े मूर्त है, इतने कौन से बड़ी उनकी मूर्ति जैसी कीर्ति है कि ये मुझे सिखाएंगे या ये मेरे बारे में कमेंट कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं कि मैं किस तरह से एक टॉक्सिक पर्सन हूँ, मुझे लोगों का प्यार जो है वो मिल रहा है। ऑब्वियसली अगर मैं गलत होता तो इतने सारे जो लोग हैं मुझसे प्यार नहीं करते, मैं गेम में इतने आगे नहीं जाता, गेम के बाहर भी मेरा इतना बड़ा नाम नहीं होता। तो ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, और यू नो जस्ट बिकॉज आपके पास ट्विटर है और आप कुछ भी लिख के बता सकते हो, बोल सकते हो, तो आप इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हुए किसी को टॉक्सिक कहना कितनी बड़ी बात है, कितनी गलत बात है। और उन्होंने खुद ने मेरे शूज़ में आने की कोशिश करनी चाहिए और मेरे बारे में सोचकर, अपने आप को कंपेयर करके सोचना चाहिए कि क्या उनका मेरे बारे में ये कहना वाजिब है या फिर गलत है। और अभी पूरी दुनिया देख रही है यार, पूरी दुनिया मुझसे इतना प्यार करती है, तो मैं इन लोगों की कौन सी बात को इतना लेके बैठूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों से, ये लोगों को बस कुछ कहना है, दिखने के लिए कुछ भी कह देते हैं, तो ये उनके कहने पे मेरा ध्यान नहीं जाता, मेरा ध्यान उधर जाता है जहाँ पे मुझे इतना सारा लोगों से प्यार मिल रहा है। अगर मैं इतना गलत होता तो मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट ऑडियंसेस का, फैंस का नहीं मिलता। इस तरह कह के करण कुंद्रा ने जो है डोनल के ऊपर और कई सारे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर निशाना साधा है, जिन्होंने करण के बारे में कहा है कि तुम टॉक्सिक हो और तुम तेजस्वी के लिए सही नहीं हो। क्या है इसके ऊपर आपका रिएक्शन, क्या आप कहना चाहोगे, क्या आपको यहाँ पे करण सही लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं? उन्होंने जिस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है, जिस तरह से उंगलियाँ उठाई उन लोगों पर जिन्होंने उन्हें टॉक्सिक कहा है, पता नहीं क्या क्या कह दिया यार, आपका क्या है इसके ऊपर, टेक नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस सून, बाय।